हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डी के आर व्लॉग्स। तो अभी हम लोग, तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा, हम लोगों ने यहां पर कैंपिंग की थी इस जगह में। तो जगह को हमने कर दिया नीट एंड क्लीन, और ये अपने बाइक वाले राइडर रेडी, और ये रेडी हैं और ये चल पड़े हैं, और इधर सामान अपना पूरा पैक हो चुका है, और ये कुकू रेडी हो रही है, और ये हमारा रक्का डॉन रेडी हो रही है। क्या मतलब रेडी हो चुका है? गॉगल्स लगा लेते हैं, अभी कर रही है तो कुछ तो देख लेता हूँ मैं एक बार। इधर कुछ सामान तो नहीं रहा है, तो सब कुछ ओके है। तो चलो गाइस चलते हैं, अब आप लोग भी चलिए हमारे साथ, हम लोग जा रहे हैं तो आज हम लोग जा रहे हैं काजा। काजा में जाएंगे, काजा में शायद हम एक दो बजे पहुंच जाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो सब कुछ गाड़ी अपनी रेडी है, बाकी एक बार देखिए कुछ इस तरह का व्यू था पूरा। ये ऊपर ग्यू विलेज है, और ऊपर जो मोनेस्ट्री दिख रही है वो ऊपर एक मोनेस्ट्री दिख रही है, वो देखिए ये है जो मम्मी है उसकी मोनेस्ट्री है, ग्यू विलेज से ऊपर है। तो आप लोग पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, तो अगर देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को भी। और चलिए अब आगे की तरफ आपको दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया व्यू। तो गाइस देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं मेन रोड के पास। ये वो गेट है जहाँ से हम एंटर हुए थे ग्यू विलेज के लिए, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। अब जाएंगे हम काजा सीधा, और ये जो है ये आए हम कल कहाँ से, नाको से, और हम सीधा जाएंगे लड़की को नाम काजा। तो यहाँ पर रुकते हैं थोड़ी देर क्योंकि बाइक वाले बंदे हमारे आ रहे हैं, और यहाँ पे एक मंदिर है माता रानी का, ये देखिए नीचे छोटा सा मंदिर है, इतना प्यारा लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक पत्थर, इसमें कुछ लिखा हुआ है तिप्ति भाषा में, ये है गाइस स्पीति रिवर, और ये हमारा राकू, और हमारे बाइक वाले भी आए नहीं है। मैं पहले गया हूँ लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे नई चीज देख रहा हूँ। अल्टीमेट गाइस, अब आया खतरनाक एरिया, अब तो हर एरिया खतरनाक ही लगता है। देख तो नीचे देख, फिर बोल रख तो डर रहा है, हौली हौली चल। बोलते हैं बार बार कि मैंने अभी शादी भी करनी है बेचारा। अभी आगे शूटिंग स्टोन वाला एरिया आया जहाँ से पत्थर कंटिन्यू गिरते रहते हैं। गाइस हमने जो सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो अब हमें यहाँ पे एक अच्छी सी जगह मिल चुकी है ब्रेकफास्ट करने के लिए। अब हम नीचे जाएंगे और नीचे जाकर अपना ब्रेकफास्ट बनाएंगे और फिर ब्रेकफास्ट खाएंगे। तो कर दे बंद चुंगड़ी। ये देखिए गाइस हमारी ऑल्टो 4x4 से भी ज्यादा खतरनाक, 4x4 की क्या जरूरत है भाई है। ओहो धूल धूल, ओहो हो वाह, दिख भी नहीं रही है गाड़ी। तो अब हम वहां नीचे रुकेंगे, वहां पर बनाएंगे अपना ब्रेकफास्ट। और ये देखिए रोड, ये ट्रैक्टर ने पूरा खराब कर दिया है। यहाँ पर हमारा चूल्हा लग गया है, ब्रेकफास्ट बन रहा है। तो ये चावल बचे हुए हैं, इनको अंडा डाल दिया इधर, अंडा फ्राई करेंगे और उसमें डालेंगे चावल बस। और तो बाकी ना बस अंडा बिरयानी, और ये देखिए अंडे प्याज था तो, और साथ में चाय बनाएंगे और थोड़ी सी मैगी बनाएंगे। और शेफ हमारे देखिए पहाड़ों में वादियों में, ये देखिए चाय बन चुकी है, और
अभी बस ये थोड़ा बहुत बिरयानी टाइप और अभी मैगी रखी हुई है, मैगी बन जाएगी जब तक हम ये खाएंगे। तो गाइस हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट और फिर निकलते हैं यहाँ से आगे ताबो की तरफ। तू पतीले खानी मैगी इज रेडी रेडी क्या डिस्ट्रीब्यूट दी कने। चलो अब करते हैं ये सब को पैक, पहले खा लेते हैं इसको और ये सफाई करते हैं इधर और फिर निकलते हैं। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं ताबो विलेज, ये रहा सामने ताबो। तो गाइस अभी एंटर हो चुके हैं ताबो मोनेस्ट्री में, ताबो की ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री। तो चलते हैं वहां पर देख कर आते हैं अंदर क्या क्या है। अंदर वीडियोग्राफी तो अलाउड नहीं है लेकिन दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग निकले हैं ताबो मोनेस्ट्री से जो कि 1100 साल पुरानी है। तो इधर है अंदर, ये देखिए 1026 साल पुरानी ये पूरी की पूरी बिल्डिंग। ये तो नहीं बनी है लेकिन अंदर नहीं नहीं पुरानी है ये भी, ये पूरी बिल्डिंग और इसके अंदर मतलब ऐसे लगता है ये कुछ भी नहीं होगा अंदर, लेकिन अंदर जा करके देखा हमने तो मतलब पूरा का पूरा शांत हो गया, दिल सब कुछ शांत हो गया पूरा, है बिल्कुल रिलैक्स। और बहुत ठंडा है अंदर और यहाँ धूप में तो इतनी गर्मी है तो मज़ा आ गया। और बहुत ही पुरानी पुरानी मतलब 1100 साल बहुत होते हैं, और बाकी अभी जो नई मोनेस्ट्री है वो उधर बनी हुई है। देखिए गाइस ऐसा लग रहा है कहीं किसी गलियों में जा रहे हैं, रेगिस्तान में या ऐसे पहाड़ों में बंकर वगैरह होते हैं ऐसे। हो भाई कुछ अलग ही फीलिंग है ना, फीलिंग कैसी है यहाँ बिल्डिंग वगैरह। ये देखिए कितने बढ़िया ब्यूटी मैन, ऊपर इतने बड़े बड़े पहाड़ और ये यहाँ पूरा मिट्टी से बना हुआ है, कभी सोचा था जिंदगी में ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। बहुत ही खतरनाक। तो गाइस अगर जाते हो आप काजा की तरफ तो ताबो मोनेस्ट्री बहुत ही जरूरी प्लेस है मेरे ख्याल से, और खासकर जो हाँ और जो ओल्ड वाली मोनेस्ट्री है उसके अंदर जाएं जो ये मिट्टी की बनी हुई है। ये बाहर से ऐसी दिख रही है लेकिन अंदर से इतनी प्यारी है, और अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है तो आपको ये देखने के लिए यहाँ पर आना ही पड़ेगा, अंदर जाना ही पड़ेगा। तो बस अब निकलते हैं यहाँ से अपने आगे वाले। अजीब विचित्र पहाड़ है, वाओ यार। तो ये है यहाँ पर कुदरत का करिश्मा। ओ भाई चिंता खा पड़े गली दी मोटी ज्ञान, वाओ 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 वाओ। ये देखिए गाइस ये पूरा हवा और बर्फ की वजह से होता है वैसे, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही है। और इसको देख करके ना नीचे घर नीचे वो दिख रहा है, वाओ जगह है ऊपर से ये जो है बर्फ की वजह से पिघलता रहता है, थोड़ा थोड़ा इसमें पानी जब गिरता है तो उस वजह से ये इस तरह के पहाड़ बनते हैं, और हवा के प्रेशर के साथ भी ये कटता है ऐसे बहुत ही बढ़िया डिजाइन में। तो ये देखिए हम गेट के पास पहुंच गए हैं, वेलकम गेट काजा का, बहुत ही सुंदर। पर इसमें वेलकम लिखा हुआ नहीं है, लिखा था लेकिन खराब हो गया।
ये हम एंटर हो गए हैं काजा में, और यहाँ पर गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है 40 डिग्री टेम्परेचर होगा अभी। बिल्कुल भी रुकने का मन नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो गाइस काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पर, तो यहाँ से मुड़ जाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और मज़ा भी नहीं आ रहा है। तो गाइस अभी हम लोग हैं यहाँ पर काजा में हाईएस्ट पेट्रोल पंप के पास, यहाँ पर नीचे है पेट्रोल पंप, पेट्रोल डालेंगे। और ये देखिए पीछे, आई लव स्पीति, तो ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर आई लव स्पीति का। तो चलो अब पेट्रोल भरा लेते हैं हाईएस्ट पेट्रोल पंप पर, और फिर चलते हैं आगे, आपको भी दिखाते हैं पेट्रोल पंप। तो गाइस जी यहाँ पर हम लोगों ने अभी पेट्रोल डाला वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल पंप में, वो देखिए सामने बोर्ड भी लगा हुआ है। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से ऊपर लांगजा के लिए। तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, और अब आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करना। या चलिए टाटा बाय बाय।